हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ये चौराही है, इसकी आज हम पकौड़ी बनाने चल रहे हैं। ये पहले से धुल के हमने रखा था, काटने के बाद फिर से धुलेंगे इसको। हाँ दोस्तों, ये हमने चौराई और प्याज धुल के रख लिया है, मिर्ची को काट रहे हैं, कट गया। अब प्याज को हम पतला पतला काटेंगे। बस चौराई ले रहे हैं, बेसन है मेरा, ये चौराई। इसमें हम मिर्चा मिलाएंगे कटा हुआ और प्याज। हल्दी थोड़ा सा, हल्का सा मिर्चा पाउडर और हम मिलाएंगे। हम नमक मिलाएंगे। इसको हम मिलाएंगे थोड़ा सा, सब्जी मसाला भी मिलाए हैं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। इसको हम पहले मिला लेंगे, तब पानी डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा। हाँ, ये मेरा पूरा सब मिला के मिक्स हो गया, इसमें सब मिला दिए अच्छे से। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, हम गैस ऑन करेंगे। अब रिफाइन को हम डाल रहे हैं। थोड़ी देर गर्म हो जाए तब डालते हैं। अब हम इसको, तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे पकौड़ी को छोटी छोटी। ये देखिए, हम इसको पलट रहे हैं। अब ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं पलट के। ये पकौड़ी देखिए ब्राउन हो गई है। अब इसको हम 1 मिनट और रख के नहीं निकालने वाले हैं। अब इसको अच्छी तरीके से देखिए, निकाल दे रहे हैं। फिर से डालेंगे। मिर्चा भी बहुत टेस्टी होता है। हाँ दोस्तों, देखिए मेरी पकौड़ी और चटनी बन के तैयार है, साथ में मिर्चा भी मैंने फ्राई कर दिया है। दोस्तों, इस तरह से आप लोग भी बनाइए और ट्राई करिएगा।
मेरे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों, धन्यवाद। ये दोनों बच्चियाँ मेरी खाना शुरू कर दी हैं। इन लोग को चटनी और पकौड़ी बहुत पसंद है, ये दोनों खा रही हैं। बहुत अच्छा है, हाँ खा लो बेटा।